नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक इन रिव्यू में। किसान साथियों, आज का विषय जानना न्यू हॉलैंड के नए मॉडल 3602 फोर व्हील ड्राइव का रिव्यू स्पेसिफिकेशन, जो कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अंत तक वीडियो देखते रहिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसानी संबंधित सूचनाओं से मैं आपको अवगत करा सकूं। तो बात कर लेते हैं 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में इस दमदार ट्रैक्टर 3602 के बारे में, जो कि न्यू हॉलैंड में काफ़ी पॉपुलर है। साथ साथियों, इसमें एडिशन में इस बार फोर व्हील ड्राइव ऐड किया गया है, साथ में लिफ्ट कैपेसिटी को बढ़ाया गया है और यूजी ड्राइवलाइन गियर बॉक्स के साथ इसको उतारा गया है। ये ऑलमोस्ट किसान साथियों पुराने 3602 की तरह ही दिखता है, बस इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। भाई, एक बढ़िया बात ये भी किसान साथियों कि इस ट्रैक्टर को भी इनलाइन पंप में निकाला गया है, यानी कि पंप की सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी लो होगी और ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं लगेगा। वही बात करूँ अगर मैं लेफ्ट साइड के ओवरव्यू की, तो पूरे ओल्ड स्टाइल में टैग मिल जाते हैं। वहीं रिवर्स पीडीओ टैग इसमें लगा दिया गया है। वहीं इस बार इस ट्रैक्टर में लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग पंप दे दिया गया है। एडिशन में ऑलराउंडर का टैग मिलता है, साथ ही 12+3 यूजी, जैसे मैंने आपको बताया यूजी ड्राइव लाइन गियर बॉक्स में आया है। वही बात कर ले किसान साथियों अगर इंजन के ओवरव्यू की, तो आप सामने जो सफ़ेद बॉक्स देख पा रहे हैं, ये स्टीयरिंग ऑयल के लिए सेपरेट बॉक्स दिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वही अगर इंजन की बात करूँ तो 50 हॉर्स पावर का 3 सिलेंडर वाला इसका दमदार इंजन है, जिसमें कि ऑयल बट टाइप के एयर फिल्टर्स आते हैं, साथ ही एक प्री क्लीनर भी आता है। वहीं कूलिंग सिस्टम की बात करूँ तो वाटर कूल्ड कूलिंग सिस्टम इसमें दिया गया है, जिसमें कि अगर आप कितने भी घंटे इसको चलाओगे, इसमें ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम इस ट्रैक्टर में नहीं आती। साथ ही अगर हम ड्राइविंग सीट पर बैठ के कम्फर्ट जोन की बात करें, तो किसान साथियों अभी भी इसमें स्पेस काफ़ी कम दी गई है। बाकी आपको नीचे पुलिंग स्टॉप की मिल जाती है, क्योंकि ये इनलाइन पंप है। वही मीटर की बात करें तो मीट्रिक डिज़ाइन में इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिया गया है, जो कि डिजिटल अभी तक नहीं किया गया। साथ ही किसान साथियों अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें यूजी ड्राइवलाइन गियर बॉक्स दी गई है, यानी कि आपको 12 फॉरवर्ड + 3 रिवर्स गियर मिलते हैं, जो कि हाई लो मीडियम गियर के साथ आता है। वही किसान साथियों ड्यूअल क्लच में है, जिसमें एक सेपरेट क्लच पीटीओ के लिए अलग से दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं आपको नीचे मिल जाता है पीटीओ का लीवर। वही बात कर ले अगर हम लिफ्टिंग सिस्टम की, तो किसान साथियों इस बार इसमें लिफ्टोमेटिक की जगह सेंसोमेटिक ऐड किया गया है, यानी कि लिफ्टोमेटिक के साथ साथ इसकी जो लिफ्ट है वो 24 अलग अलग सेंसिटिविटी पर काम कर सकती है मिट्टी के हिसाब से। वही पुराने स्टाइल में मिल जाता है पोजिशन और ड्राफ्ट कंट्रोल। वहीं सीट के नीचे आप देखेंगे किसान साथियों आपको हाइड्रोलिक लॉकिंग सिस्टम और साथ में सेंसिटिविटी सेट करने का लीवर मिल जाता है, इसके हिसाब से आप सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं। उसी के नीचे पुराने स्टाइल में आपको मिल जाता है हैंड लॉक, जिससे कि आप ब्रेक लॉक कर सकते हैं। वहीं किसान साथियों डिफरेंशियल लॉक का लीवर भी उसी के साइड में आपको मिल जाता है, जिससे कि आप दोनों टायर की ताकत बराबर करवा सकते हैं। बात कर लूँ अगर मैं इसके हाइड्रोलिक सिस्टम की, तो किसान साथियों इसमें मिल जाता है हमको 1700 kg की लिफ्ट, जो कि पुराने ट्रैक्टर्स में आती थी। बाकी जो 4WD के जो नए ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं, इसमें लिफ्ट कैपेसिटी जैक लगा दिया गया है, जिससे कि 2200 kg तक लिफ्टिंग कैपेसिटी हो जाती है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ इसके पीटीओ की, तो 6 स्पाइलाइन टाइप का पीटीओ 540 RPM के साथ आता है। वहीं किसान साथियों इसमें हाइड्रोलिक मीटर इसमें ऐड किया गया है, जिससे कि हमारे जो हाइड्रोलिक के काम करने की स्पीड है वो बढ़ जाती है। नॉर्मल हमको स्पीड 8 सेकंड की लगती है ऊपर से नीचे करने में हाइड्रोलिक को, इसमें 2 सेकंड का वक्त लगता है। वहीं 3 पॉइंट सेंसिंग के साथ आती है, जो कि बाकी के ट्रैक्टर्स में भी 50 HP के मिल जाता है। वहीं किसान साथियों अगर मैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ, तो इसमें ऑयल इमर डिस्क ब्रेक्स दिए जाते हैं। वहीं टायर की बात कर लें तो 14/9/28 के पिछले टायर, वहीं फ्रंट टायर 9/50/24 केस में दिए गए हैं। फ्यूल टैंक की बात करूं तो किसान साथियों फ्यूल टैंक को भी बड़ा कर दिया गया है, फ्यूल टैंक 60 लीटर का कर दिया है, जिसमें कि फाइबर टैंक आपको मिलता है, जिसमें रस्ट लगने के कोई चांसेस नहीं होते। एक्सल की बात कर लूँ तो रिडक्शन टाइप का एक्सल दिया गया है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा टॉर्क होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसान साथियों उसका फ्रंट एक्सल जो दिया गया है वो कितना मजबूत है। वहीं अगर हम बात कर लें इसके ओवरऑल प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट की, तो किसान साथियों मुझको जो इसके प्लस पॉइंट दिखे वो ये हैं कि इसमें ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, आप इसको नॉन स्टॉप यूज़ कर सकते हैं।
वही किसान साथियों, 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में ये 5 लीटर फ्यूल कैपेसिटी वाला ट्रैक्टर है, यानी कि मान लो 50 HP में ये मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट यानी कि सबसे कम डीजल खाने वाला ट्रैक्टर है। वही किसान साथियों, इसके 4 व्हील ड्राइव में काफ़ी हैवीनेस मुझको दिखी। किसान साथियों, मुझे ये ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव में 50 HP का आलू की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए काफ़ी लाभदायक लगा, क्योंकि आलू निकालने की मशीन काफ़ी हैवी होती है और उसमें ट्रैक्टर आगे से उठ जाते हैं। 4 व्हील ड्राइव का ये ट्रैक्टर आगे से काफ़ी भारी है, लंबा है, साथ ही 4 व्हील ड्राइव में है, जिससे कि काफ़ी मदद मिल जाती है। उसी के साथ सबसे अच्छी बात ये भी है कि किसान साथियों के इसको UG ड्राइवलाइन गियरबॉक्स में न्यू हॉलैंड ने निकाला है, जिसमें ये 3630 में आता था ये सिस्टम। इसमें आपको 3 स्पीड मिल जाती है, हाई लो मीडियम की, जो कि काफ़ी अच्छी बात लगी। वहीं मैंने जैसे बताया आपको, लिफ्टिंग कैपेसिटी जैक इसमें ऐड किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 2200 kg तक इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी हो जाती है। वहीं बात कर लो इसके नेगेटिव पॉइंट्स की, तो किसान साथियों, इसमें 4 व्हील ड्राइव 50 HP के हिसाब से जो आगे के फ्रंट टायर्स हैं वो काफ़ी बड़े कर दिए गए हैं। दूसरे ट्रैक्टर 50 HP में देखेंगे आप 4WD ड्राइव के काफ़ी छोटे आते हैं, लेकिन सक्सेसफुल हैं। उस हिसाब से इसमें आगे के टायर्स थोड़े छोटे कर देने चाहिए थे। वही दूसरा नेगेटिव पॉइंट हम देखेंगे किसान साथियों कि इसके ड्राइविंग सीट प्लेटफॉर्म में भी अभी भी स्पेस की कमी है, जो कि काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करवाता है। अगर लंबे समय तक ड्राइवर चला रहा है तो थकने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। ओवरऑल आप देखेंगे किसान साथियों कि 2 व्हील ड्राइव में 3600 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में काफ़ी हिट हुआ है। देखते हैं कि 4 व्हील ड्राइव किसान साथियों को पसंद आता है या नहीं। वहीं कंपनी एसेसरीज में आपको मिल जाती है ड्रॉवर पट्टी, वहीं टॉप लिंक, कैनोपी, हुड, बम्पर, साथ ही टूल बॉक्स और 3 साल की वारंटी कंपनी के साथ आपको मिलती है। यही थी इस वीडियो की सूचना के साथ साथियों 4 व्हील ड्राइव 3602 के बारे में। वीडियो आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आगे ऐसी वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। वही किसान साथियों, फिर लौटूंगा ऐसी जानकारी, ऐसी सूचना के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए किसान साथियों। जय हिंद, जय भारत।